Hello everyone, welcome to your very own Easily. I am Dr. Sudha, your mentor for biology. So, in our today's class, what we are going to start? As you all know, we have already completed with our chapter sexual reproduction in flowering plants. और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं एक और नया चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. अब हम बात करेंगे जो हमारा पूरा यूनिट था रिप्रोडक्शन का, जो यूनिट था उसमें हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स उनको कंप्लीट किया, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को कंप्लीट कर दिया, और आज हम कौन सा यूनिट शुरू करेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन. ठीक है, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर हम आज पर्टिकुलरली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास. ठीक है, तो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 10, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमंस के बारे में. ठीक है, तो एज यू ऑल नो, ह्यूमंस दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ठीक है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि बोथ मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट. ठीक है, आप इजीली मेल्स और फीमेल्स को बाहर से देख के ही बता सकते हैं कि विच वन इज मेल एंड विच वन इज फीमेल. तो दिस इज नोन एज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. ठीक है, और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मतलब ये है कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, यू कैन इजीली, एक सेकेंड, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई मेल एंड फीमेल. ठीक है, जैसा कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि आफ्टर बर्थ जो हर ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे, दे विल अंडरगो अ पीरियड ऑफ ग्रोथ. ठीक है, ग्रोथ होगी बर्थ के बाद, और ग्रोथ के बाद कौन सा पीरियड शुरू होता है, दैट इज रिप्रोडक्टिव फेज या मैच्योरिटी फेज कह लो, है ना. तब क्या होगा, बोथ मेल एंड फीमेल्स, ह्यूमंस की बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स है वो एक तरह से ऐसा मान लो कि दे विल स्टार्ट एक्टिव हो जाएंगे टू परफॉर्म द रिप्रोडक्शन, राइट. तो देखो, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो देयर आर, व्हाट आर द स्टेप्स इन रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द स्टेप्स इन रिप्रोडक्शन, कौन कौन से स्टेप्स होंगे, दैट पहला क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन. देखो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नो इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ, इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को इन्वॉल्व करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसका मतलब सबसे पहले हमें गैमेट्स को बनवाना पड़ेगा, राइट. तो जब रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी ह्यूमन जो है दैट विल एंटर इनटू रिप्रोडक्टिव फेज, उस टाइम पे गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा. क्या स्टार्ट हो जाएगा बेटा, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. क्या स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस. अब आपको पता है जो गैमेट्स हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, गैमेट्स कितने टाइप के हैं हमारे पास, दे आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज मेल गैमेट, ठीक है, और अनदर इज फीमेल गैमेट. ठीक है, फीमेल गैमेट हमें पता है कौन सा होता है, एग, और इसको हम ओवम भी बोल देते हैं, और मेल गैमेट कौन सा होता है आपके सामने, स्पर्म, राइट. ठीक है, गैमेट्स बन गए, राइट. अब हमें पता है कि जो मेल गैमेट है दैट इज मोटाइल स्ट्रक्चर, मेल गैमेट इज मोटाइल, और जो एग है हमारा दैट इज स्टेशनरी, दैट डज नॉट मूव, और जनरली एक एग रिलीज होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, राइट. तो इसके बाद हमारा जो स्टेप होगा दैट विल बी ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर
ऑफ मेल गैमिट, मेल गैमिट क्योंकि मोटाइल है तो इसे कोई ट्रांसफर होना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट इनटू फीमेल ट्रैक्ट कह लो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कह लो, है ना, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. क्यों? टू रीच एग. ठीक है, ये हो गया बेटा गैमेट्स का ट्रांसफर, राइट. अब इसके बाद हमें पता है क्या होगा, इसके बाद हमारे पास है व्हाट विल हैपन, देयर विल बी फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट. मतलब नेक्स्ट स्टेप अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया. अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन का जैसे कि हमें पता है फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट है दैट विल बी जाइगोट विल बी फॉर्म्ड. जाइगोट विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, फिर जाइगोट बनेगा. जाइगोट के अंदर क्या होंगी, बहुत सारी डिविजन्स होंगी और उन डिविजन्स को हम क्या बोल देंगे, डिविजन्स के बाद क्या डिवेलप होगा, एम्ब्रियो. स्टेप बाय स्टेप याद रखते जाओ, पहले क्या बने, गैमेट्स बने, फिर गैमेट्स का हुआ ट्रांसफर, फिर क्या हुआ, गैमेट्स का फ्यूजन किसके अंदर होगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ फीमेल के अंदर. वहां से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर फिर जैसे जैसे डिवेलपमेंट होगा तो दैट विल ऑर्गेनोजेनेसिस कह लो या गेस्टुलेशन कह लो, एवरीथिंग द पूरा का पूरा जो है एक ऑर्गेनिज्म वो डिवेलप हो जाएगा, राइट. एम्ब्रियो और उसके आगे के स्टेप्स देखो अगर हम करें तो ऑर्गेनोजेनेसिस. ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस और जो उसके बाद डेवलपमेंट होगा और 9th मंथ का अप्रोक्सीमेटली ये पीरियड होता है जिसको बोलते हैं गेस्टेशन. मतलब ये कुछ टर्म्स है जिनको आपको याद रखना है. गेस्टेशन क्या है, गेस्टेशन क्या है, इट इज द पीरियड. गेस्टेशन इज द पीरियड, गेस्टेशन इज द पीरियड बिटवीन, कब, जब कंसीव किया था, बिटवीन फर्टिलाइजेशन कर लो, फर्टिलाइजेशन के बाद, जस्ट फर्टिलाइजेशन एंड डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ बेबी, एंड जिसको हम क्या बोलेंगे, डिलीवरी ऑफ बेबी, राइट. दिस इज गेस्टेशन. और व्हाट इज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होगा बेटा, ये थोड़े से हमारी टर्म्स है जिनको हमें याद रखना है. पार्चुरेशन मींस बर्थ ऑफ बेबी, बर्थ ऑफ बेबी, फीटस जब डिवेलप हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे बेबी, राइट. कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, इट इज 9 months, ये हम सभी को पता है. ठीक है, और इस पूरे पीरियड को हम क्या बोल देते हैं, दिट इज ऑल्सो नोन एज, गेस्टेशन की बात करें तो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी. क्या बोलेंगे इसको, प्रेगनेंसी. ठीक है, इतनी बातें क्लियर है. ये है हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे. इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे गैमेट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस. बट उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर कौन कौन सी मतलब स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, किस तरह से पूरा ये प्रोसेस चलता है. और उसके बाद हमें समझना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, फिर हम देखेंगे ट्रांसफर कैसे होता है, फिर हम फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे. फर्टिलाइजेशन के बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से जो पूरा का पूरा जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, इम्प्लांटेशन कैसे होता है, पूरा जो बेबी डेवलप होता है, फिर उसकी डिलीवरी कैसे होती है, कैसे वो बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है फ्रॉम यूट्रस. तो पूरे चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि कंसीव करने से लेकर बेबी के बर्थ तक जो जो इवेंट्स होंगे दैट ऑल विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. तो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, और आफ्टर 9 months के बाद जब बेबी का बर्थ भी हो जाएगा तो उसके बाद भी तो उसको केयर चाहिए ना, तो वो केयर एक फीमेल किस तरह से अपने बेबी को प्रोवाइड करवाती है. मतलब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम लैक्टेशन के बारे में भी बात करेंगे, हम लैक्टेशन के बारे में भी बात करेंगे. ठीक है, तो विद दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की,
तो उसके लिए मुझे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है एक मेल के अंदर, दीज आर टेस्टिस, क्या है टेस्टिस, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा, ये दीज आर व्हाट, दीज आर टेस्टिस. टेस्टिस कितनी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दीज आर इन पेयर, अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ठीक है, कहां लोकेटेड है टेस्टिस, टेस्टिस आर, दीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल. ठीक है, दे डिवेलप ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनल पीरियड, कहाँ डिवेलप होती है, एब्डोमन के अंदर, ठीक है, दे डिवेलप इन एब्डोमन, ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनल डिवेलपमेंट, ठीक है, बट स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तक वो एब्डोमेन के अंदर डिवेलप होती हैं, बट ड्यूरिंग द अप्रोक्सीमेट सेवेंथ मंथ के अराउंड दे आर डिसेंड इनटू द स्क्रोटल सैक, आफ्टर दैट दे डिसेंड इनटू स्क्रोटल सैक, ठीक है, स्क्रोटल सैक के अंदर वो डिसेंड हो जाती है, कई बार ड्यू टू सम पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये इनका जो डिसेंट है नहीं हो पाता है, ठीक है, तो दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज फेलियर टू डिसेंट, अगर ये फेल हो जाए, फेलियर टू डिसेंट, ठीक है, तब उस कंडीशन को हम बोल देते हैं क्रिप्टोर किडिज्म, ठीक है, दिस इज अ कंडीशन वेयर द टेस्टिस आर फेल, द टेस्टिस फेल टू डिसेंड इन द स्क्रोटल सैक, ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टेस्टिस क्यों डिसेंड करती हैं, क्या जरूरत है इनको, क्यों नहीं एब्डोमेन के अंदर रहती, क्यों एब्डोमेन के अंदर नहीं रहती, क्यों वो डिसेंड कर जाती है, तो देखो इसका एक रीजन है, क्वेश्चन लिखेंगे व्हाई डू टेस्टिस डिसेंड, ठीक है, बता सकते हो मुझे, देखो आंसर क्या होगा बेटा, हमारा आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा दैट टेस्टिस दे फेल टू डिसेंड, दैट इज क्रिप्टोर्किडिज्म, देखो टेस्टिस का काम क्या है बेटा, टेस्टिस का काम है स्पर्म्स बनाना, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, ये मेन काम है टेस्टिस का, ओके, आगे देखो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर एब्डोमिनल टेम्परेचर से 2 से लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, स्पर्म फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेस देन एब्डोमिनल टेम्परेचर, ठीक है, ये हुई कुछ बेटा बेसिक बातें, तो टेस्टिस क्या होती है, दीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, क्यों, क्योंकि इनको क्या चाहिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए लेस, तो इसलिए यह क्या करती है, डिसेंड कर जाती हैं आफ्टर, मतलब पहले तो एब्डोमेन के अंदर डिवेलप होंगी जब एम्ब्रियोनल लाइफ स्टार्ट होती है, ठीक है, किसी भी मेल बेबी की, तो उसके कुछ टाइम के बाद दे डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटल सैक, अब देखो अब टेस्टिस कहाँ आ गई है, टेस्टिस आ गई है स्क्रोटम में, ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली क्या है बेटा, ये ना एक बैग है,
ठीक है, स्क्रोटल बैग है इस तरह से, और दिस इज अ बैग, है ना, और इसके अंदर है हमारी क्या टेस्टिस, इसके अंदर है टेस्टिस, ठीक है, ठहरो एक सेकेंड, देखो सबसे पहले देखो हमारे पास है, दिस इज बट अ स्क्रोटल सैक, दिस इज स्क्रोटल सैक, ठीक है, दीज आर टू स्क्रोटल सैक, पूरा का पूरा ये क्या है, दिस इज स्क्रोटल सैक, स्क्रोटल सैक, सैक मतलब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, कितने स्क्रोटल सैक है, टू, ठीक है, तो दीज आर कनेक्टेड, दीज आर इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं, इनके अंदर है बेटा क्या टेस्टिस, इनके अंदर क्या है टेस्टिस है, इस तरह से इनके अंदर है टेस्टिस, ये क्या है बेटा टेस्टिस, ठीक है, और जैसे ही ये डिसेंड करती हैं किसके अंदर, स्क्रोटल सैक में, दे आर फिक्स्ड, फिक्स्ड हो जाती हैं एक मस्कुलर बैंड से जिसका कि नाम क्या है, दैट इज गबरनेक्युलम, दैट इज गबरनेक्युलम, ठीक है, ये बैंड ऑफ मस्कुलर बैंड है, ये दिस इज गबरनेक्युलम, ठीक है, गबरनेक्युलम, ठीक है, ओके, अब देखो टेस्टिस जो है, दे आर टेस्टिस क्या है आपके पास, दे आर इनके बीच में जो कैविटी है ना, दिस इज कॉल्ड वेजाइनल सिलोम, स्क्रोटल सैक के अंदर इसके अंदर एक फ्लूइड फील होता है बेटा, दिस इज वेजाइनल सिलोम, ठीक है, और इसके अंदर एक फ्लूइड फील है, दैट इज हाइड्रोसील, हाइड्रोसील, ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है, तो टेस्टिस एक तरह से इस स्क्रोटल सैक के अंदर है, देयर आर अ पेयर ऑफ टेस्टिस, दो स्क्रोटल सैक है, और स्क्रोटल सैक जो है कनेक्टेड है टू इंग्वाइनल कैनाल, एब्डोमन के साथ ही कनेक्टेड है, किससे, इंग्वाइनल कैनाल से, तो इसको भी लिख देते हैं इंग्वाइनल कैनाल से, ठीक है, दे आर, और कैसे ये होल्ड होती है स्क्रोटम के अंदर, बाय स्पर्मेटिक कोड, इनको जो यहाँ से अटैच करने वाली होती है ना, ये दिस इज स्पर्मेटिक कोड, तो स्पर्मेटिक कोड से दे आर अटैच्ड, राइट, इतनी बात हमें क्लियर है, अब हम देखते हैं कि ये जो टेस्टिस हैं इनका बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है, मैंने कितना बोला, पेयर में होती है बेटा टेस्टिस, टेस्टिस आर इन पेयर, तो चलो अब एक काम करते हैं, यहां से एक टेस्टिस को उठाते हैं और टेस्टिस को देखते हैं कि इसके अंदर है क्या, मान लो मैंने ले ली एक ये टेस्टिस, मैंने क्या ले ली बेटा, टेस्टिस ले ली, ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर क्या है वो देखते हैं, देखो एक सेकेंड, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, चलो दोबारा से देखते हैं, एक बार देखना बेटा, मैंने ले ली बेटा, ये है टेस्टिस की आउटर लेयर, ठीक है, इस आउटर लेयर को हम नाम दे देते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ठीक है, अच्छा इस टेस्टिस के अंदर क्या है, इस टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिस के अंदर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, दैट इज थ्रोन इनटू यू फोल्ड्स बने हुए हैं, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर यू फोल्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, दीज आर फोल्ड्स, ठीक है, ये कौन सी लेयर ड्रॉ की मैंने, दिस इज ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्बुजिना, एल्बुजिनिया, राइट, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी टेस्टिस के अंदर, क्योंकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, तो ये क्या बना देंगे बेटा, ये बन जाएंगे आपके टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, ठीक है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स, ठीक है,
क्लियर है इतनी सी बात। टेस्टिस को हमने क्या किया, हमने ये देखा बाहर से जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका वेजाइनलिस, उसके अंदर वाली एक थिक फाइब्रस कवरिंग है दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया दैट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, और जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गए, ये टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट के अंदर देयर आर 1 to 2 ठहरो, ये बन गया आपके टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो आई होप ये हमें क्लियर है कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया के फोल्ड्स की वजह से क्या बन जाते हैं, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। ओके, आगे आ जाओ। अब देखो, अब देखेंगे कि इसके अंदर एक या दो यूं कुछ क्वाइल्ड से स्ट्रक्चर्स हैं, एक या दो ऐसे क्वाइल्ड से स्ट्रक्चर्स हैं। इनको क्या बोला हमने, इनको हम बोलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या बोलेंगे, सेमिनी, मेरे साथ साथ अगर डायग्राम बनाते रहोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये है क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या बेटा, दीज आर द क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, अंदर ही क्वाइल्ड रहते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये बाहर आ जाएंगे, ठीक है, जैसे ही ये बाहर आ जाएंगे तो क्या होगा, बाहर आते ये बना देंगे एक ऐसे, क्या बना देंगे, नेटवर्क। क्या बना देंगे, ये बना देंगे नेटवर्क। ठहरो, इसमें कलर चेंज करते हैं, चलो ये वाला लेते हैं। क्या बना देंगे बेटा, इस तरह से स्ट्रेट स्ट्रेट ट्यूब्स निकलेंगी और इनके क्या बन जाएंगे बेटा, यहाँ पे नेटवर्क। तो इस तरह से बहुत सारी जो नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो स्ट्रेट हो जाएंगे, इस पार्ट को बोलेंगे हम रिटी टेस्टिस। क्या बोलेंगे, रिटी टेस्टिस। ठीक है, अब रिटी टेस्टिस एक नेटवर्क है, आफ्टर सम टाइम दे ऑल विल ओपन, ऐसे सब इकट्ठे हो जाएंगे जितनी भी इनकी ब्रांचेस है, इसको बोलेंगे वॉसा एफ्रेंशिया, सब के सब, है ना, ये वॉसा एफ्रेंशिया। तो एक बार इस लेयर को थोड़ा और आगे तक करते हैं, इस लेयर को थोड़ा और आगे तक ले जा देते हैं। ठीक है, तेज, ये सारी हम कद के अंदर चल रहे हैं, टेस्टिस के अंदर है, ये सब कुछ टेस्टिस के अंदर है। ओके, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब ये जो एक मिनट है, यहाँ से रीटी टेस्टिस को हटाते हैं। ठीक है, ये पता लग गया ना, दिस इज रीटी टेस्टिस, यहाँ पे लेबलिंग कर दो रीटी टेस्टिस। तो ये फ्लो ऑफ जो स्पर्म्स का मूवमेंट बता रही हूँ कैसे कैसे होगा, ये सारी जो बना देंगे नेटवर्क, ये सारा क्या बन गया बेटा, ये पूरी ट्यूब्स, ये सारी बन जाएंगी वॉसा एफ्रेंशिया, वॉसा एफ्रेंशिया। ठीक है, अब ये वॉसा एफ्रेंशिया जाके कहाँ पे खुलेगी, वॉसा एफ्रेंशिया जाके खुलेगी आपकी कहाँ पर, दैट इज अ क्वाइल्ड सा स्ट्रक्चर। ठीक है, और इस क्वाइल्ड से स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इस क्वाइल्ड से स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा आपका, एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस जब नीचे की तरफ जाके फिर एक ले लेगा टर्न, तो ये क्या बन जाएगी आपकी वॉस डेफरेंस, क्या बन जाएगी, वॉस डेफरेंस। तो ध्यान से समझो मेरी बात, स्पर्म्स बने किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर। कितने कंपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, नियर अबाउट 200 से लेके 300 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स है एक टेस्टिस के अंदर। ठीक है, और उन टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर देयर आर टू और थ्री क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है पूरी टेस्टिस में, अप्रोक्सीमेटली 200 को अगर हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें 3, 600 से लेके अप्रोक्सीमेटली 900 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। काम क्या है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, टू मेक स्पर्म्स बनाएंगे। ठीक है, स्पर्म्स बनने के बाद कहाँ आएंगे, देखो यहाँ से मान लो स्पर्म्स बनने के बाद आएंगे रिटी टेस्टिस से जाएंगे वॉसा फ्रेंशिया से जाएंगे एपिडिडाइमस से जाएंगे वॉस डेफरेंस में। फिर से बोलूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रिटी टेस्टिस, वॉसा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस में कुछ टाइम तक स्टोर रहेंगे, आफ्टर दैट कहाँ आएंगे, वॉस डेफरेंस के अंदर। तो ये वाला जो पाथ है ये स्पर्म्स फॉलो करेंगे। तो ये हमने किसकी स्ट्रक्चर देखी है, किस तरह से स्पर्म फॉर्मेशन चलता है। ठीक है, अब अगर मैं एक कोशिश करूँ
टेस्टिस का हम लेते हैं एक तरह से टीएस काट के देखते हैं, तो देखते हैं हमें क्या कुछ नजर आएगा। ठीक है, हमें क्या नजर आता है, एनसीईआरटी में भी आएंगे अभी हम, पहले हम समझ लेते हैं। जब मैं एनसीईआरटी कह रही हूं, जब मैं टीएस ऑफ टेस्टिस जब मैं लूंगी तो देखो मुझे क्या क्या नजर आएगा। जब मैं इसे कट करूंगी तो मुझे नजर आएंगे कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, मुझे नजर आएंगे कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ये क्या है बेटा, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और साथ में ये सारा इंटरस्टिशियल जो सब्सटेंस भरा होगा इसके अंदर, दिस इज ऑल फिल। ठीक है, और बीच में हमें कुछ नजर आते हैं मास ऑफ सेल्स, दैट इज ये, दीज आर द लीडिंग सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स, बीच बीच में कहीं कहीं आपको नजर आएंगे ये, राइट। ये क्या है बेटा, दीज आर लीडिंग सेल्स, राइट, दीज आर लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स का काम क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। ठीक है, जब आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अच्छी तरह से देखोगे तो आपको दो टाइप के सेल नजर आएंगे। कुछ सेल्स कैसे होंगे, कुछ सेल्स होंगे बेटा इनके पास क्यूबिकल, कुछ सेल्स इस तरह से होंगे क्यूब लाइक, है ना, ये होंगे बेटा क्यूब लाइक, दीज आर द जर्म सेल्स, दीज आर मेजर सेल्स। और कुछ सेल्स आपके पास कैसे होंगे, कुछ सेल्स होंगे इस तरह से पिरामिड शेप के, कुछ सेल्स होंगे यू पिरामिड शेप के, राइट, ये पिरामिड शेप के। तो पिरामिड शेप के जो सेल्स हैं, और कुछ सेल्स यहाँ पे ये बीच बीच में कैसे भरे हैं हमने, दीज आर द जर्म सेल्स, दीज आर द जर्म सेल्स, ये सारे क्या है बेटा, जर्म सेल्स हैं। और कहीं कहीं मैं छोड़ देती हूँ स्पेस, तो वहाँ पे हम क्या बना देंगे, वहाँ हम बनाएंगे आपके लिए पिरामिड सेल, पिरामिड सेल्स। ठीक है, दीज आर पिरामिड सेल्स। तो इनको बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल, इनको क्या बोलेंगे हम, सर्टोली सेल्स। ये क्या काम करेंगे, ये स्पॉन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, याद रखेंगे मेरी बात। और ये क्या है बेटा, ये कौन से वाले सेल्स थे, दीज आर जर्म सेल्स, जर्म सेल्स। ये क्या बनाएंगे, गैमीट्स, मतलब कौन सा गैमीट, मेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट का मतलब क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे स्पर्म्स। तो ये है आपके सामने टीएस ऑफ टेस्टिस। टीएस ऑफ टेस्टिस के अंदर हमने क्या क्या देखा, हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नजर आएंगे, बीच में हमें सर्टोली सेल नजर आएंगे, किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। दीज आर द पिरामिड शेप सेल्स, जर्म सेल्स होंगे क्यूबिकल, क्यूब से शेप के होंगे, मेजर सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म्स बनने के बाद सर्टोली सेल उनको क्या देंगे, नरिशमेंट देंगे। लीडिंग सेल्स क्या करेंगे, वो सिक्रीट करेंगे हार्मोन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है, तो एक बार हम देखते हैं व्हाट एवर एनसीईआरटी हैव टू से। ठीक है, चलो एक बार अब एनसीईआरटी की लाइंस के ऊपर थोड़ा सा अपना, क्योंकि जरूरी है एनसीईआरटी की लाइंस को पढ़ना, बिकॉज वी आर, हमारी जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। सबसे पहले, एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, और कैसे हैं, विवीपैरस, विवीपैरस का मतलब बर्थ देते हैं अपने और बेबीज को, एंड दे आर विवीपैरस। ठीक है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, हमने बोला गैमिटोजेनेसिस, हमने क्या बोला, गैमिटोजेनेसिस, राइट, दैट इज स्पर्म्स इन मेल्स और ओवम इन फीमेल्स। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, गैमिटोजेनेसिस के बाद हमारा क्या प्रोसेस रहेगा, ट्रांसफर का प्रोसेस। किसको ट्रांसफर करना है, हमें स्पर्म्स को ट्रांसफर करना है, कहां पर, इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे इनसेमिनेशन, इनसेमिनेशन, याद रखेंगे इन मतलब इन, सेमिनेशन का मतलब एक वर्ड होगा सीमेन, हम अभी देखेंगे सीमेन क्या होता है, सीमेन के अंदर कुछ ग्लैंड्स का सिक्रीशन प्लस स्पर्म्स, तो सीमेन को रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैप के अंदर इंसर्ट, मतलब अंदर डिपॉजिट, ट्रांसफर करना मेल गैमेट्स को, दैट प्रोसेस इज नोन एज इनसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आप सब समझते हो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट।
ठीक है. दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट. हम देखेंगे कैसे जायगोट बनेगा. जायगोट के अंदर डिविजन्स होंगी, दैट इज नोन एज क्लीवेज. जायगोट की डिविजन को क्या बोलेंगे? क्लीवेज. ठीक है, जायगोट बन जाएगा एम्ब्रियो में. कैसे बनेगा? उससे पहले स्टेजेस आएंगे, मोरूला, ब्लास्टुला, देन ब्लास्टोसिस्ट. फिर ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्रस की वॉल के अंदर हम एम्बेड कर देंगे, राइट. तो अभी के लिए समझो ब्लास्टोसिस्ट में डेवलप होगा और इसकी जो अटैचमेंट होगी कहां पर? यूटराइन वॉल के साथ, दैट इज इम्प्लांटेशन. उसके बाद क्या होगा बेटा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज गैस्टेशन. और गैस्टेशन के बाद क्या होगा? बेबी की डिलीवरी, जिसको बोलेंगे पार्चुरेशन. तो देखो मेन मेन टर्म्स देखो आपके सामने क्या क्या आई हैं. पहले हुआ गैमिटोजेनेसिस, गैमिट्स का फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स, दैट इज मेल गैमिट इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दैट इज नोन एज इनसेमिनेशन. इनसेमिनेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन से क्या बना? जायगोट. जायगोट के बाद क्या बनेगा? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. फिर ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होगा यूट्रस वॉल के अंदर, उस प्रोसेस को बोलेंगे बेटा इम्प्लांटेशन. ठीक है, उसके बाद डेवलप होगा एम्ब्रियो, इसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ठीक है, दैट इज नोन एज मतलब गेस्टेशन पीरियड, मतलब प्रेगनेंसी का पीरियड सारा वो स्टार्ट हो जाएगा. और उसके बाद होगा डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसको बोलेंगे बेटा पार्चुरेशन. ठीक है, अब आपने ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब होंगे? सारे के सारे इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी होंगे. ये क्यों होंगे आफ्टर प्यूबर्टी? क्योंकि बॉडी अपने आप को रिप्रोडक्टिवली पहले मैच्योर करेगी. ठीक है, तो आफ्टर प्यूबर्टी आने के बाद ये सारे प्रोसेस शुरू होंगे. ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही प्यूबर्टी की एज आ जाएगी, मेल और फीमेल के अंदर आपको दिखेंगे बहुत सारे चेंजेस, बाहर से दिखने में भी, और बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, ठीक है, but the formation of ovum वो रुक जाएगा. पहली स्टेज, पहले एक चीज समझो, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, अगर मैं बात करूं प्यूबर्टी की, है ना, प्यूबर्टी के अंदर बेटा क्या होता है? प्यूबर्टी के अंदर क्या होता है? प्यूबर्टी के अंदर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन बिगिंस. ठीक है, मेंस्ट्रुएशन होने का मतलब है कि क्या बनना शुरू हो गया? एग बनना शुरू हो जाएगा, ना, ओवी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, ओवरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग और ओवम. ठीक है, और भी बाकी सारे डेवलपमेंट होंगे, बट फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं मिनाक. ठीक है, प्यूबर्टी के बाद जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे मिनार्क. क्या यूज करेंगे? मिनार्क. ठीक है, और अब हमने एक बात पढ़ी कि ओवम बनना बंद हो जाएगा. कब हो जाएगा? तो एक तरह से मीनोपोज वाली स्टेज कब आएगी? मीनोपोज कब होगा बेटा? When menstruation stops, तो याद रखोगे first menses, that is मिनाक. जब menopause आ जाए तो menstruation stop कर जाएगा, that means अब जो ovary है वो ovum नहीं बनाएंगी. ठीक है, ovum formation stops, ovum formation स्टॉप्स. ठीक है, बट यहाँ मजे की बात यह है, यहाँ जो मेन बात यह है वो ये है कि मेल चाहे कितना भी ओल्ड हो जाए, उसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूस रहता है. इसीलिए बोला जाता है कि जो मेल है वो कभी भी ओल्ड नहीं होते हैं. ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन
sperm formation continues even in old man, but the formation of ovaries is in women around the age of 50 years. और 50 years की जो age आएगी, इसमें हम क्या बोलेंगे? That is the age of menopause. Age of menopause. Let us examine. अब हम बात करते हैं किसकी? Male और female reproductive systems की human में. But आज की class में हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं male reproductive system के बारे में. ठीक है? तो जैसे कि most of the parts हमने समझ लिए हैं, अभी भी हमने देखा, देखो ये क्या है, दिस इज अ एलस ऑफ ह्यूमन टेस्टिस. इसके अंदर देखो ये क्या है बेटा, ये स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दिस आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और ये क्या है बेटा, लिडिक सेल्स है, ये लिडिक सेल्स जो हमने बनाए, राइट. ये जो आपका पिरामिड शेप के सेल्स दिख रहे हैं ना, दीज आर सर्टोली सेल्स, दीज आर सर्टोली सेल्स. और इसके अंदर ना ये जो जर्म सेल्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दिख रही हैं आपको, जब गैमीट फॉर्मेशन मतलब स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लासेस में डिटेल में. तो क्या होगा, प्राइमरी हमें दिखेगा स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम डेवलप हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, उससे बनेंगे स्पर्माटिड्स, और फिर स्पर्माटिड्स के बनने के बाद इनमें से स्पर्मेशन के प्रोसेस से स्पर्म्स बनेंगे. अभी तक अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जर्म सेल से स्पर्म्स बन रहे हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट बेटा स्टेजेस दिखाई हैं, दीज आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं. और ये वाला जो सेल्स है ना, ये सेल्स, ये कौन से सेल्स है, जर्माइनल एपिथेलियम. और ये जो पिरामिड शेप के दिख रहे हैं, ये कौन से सेल्स है, सर्टोली सेल. ये वही एलएस हमने लिया है, किसका, टेस्टिस का. ठीक है, चलो एक बार ध्यान से देखते हैं एनसीईआरटी में. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. व्हाट इज पेल्विस रीजन, हमारी पूरी बॉडी को अगर हम डिवाइड करें तो हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कैसे, अपर वन इज थॉरेक्स, पढ़ा होगा आपने, मिडिल वन इज एब्डोमन, और लोअर वन इज पेल्विस. थॉरेक्स रीजन के अंदर होते हैं लंग्स, जहां पे होते हैं उसको बोलते हैं थॉरेक्स या चेस्ट. अब बीच के एरिया जहां पे स्टमक और इंटेस्टाइन होगा, दैट इज नोन एज एब्डोमन. और उसके नीचे वाला पार्ट, दैट इज नोन एज पेल्विक रीजन, जिसके अंदर सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो दैट इज पेल्विस रीजन. क्या होता है इसके अंदर बेटा, अपीयर ऑफ टेस्टिस, और इसके अलावा क्या होंगी, कुछ एक्सेसरी डक्ट्स होंगी जो हेल्प करेंगे स्पर्म फॉर्मेशन के बाद स्पर्म को ट्रांसफर करने का काम करेंगे. ठीक है, विद एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड्स भी होंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम. हमने देखा अभी भी, स्क्रोटम किस लिए, किसमें हेल्प करेगा, इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, दैट इज 2 to 2.5 degree Celsius lower than the normal internal body temperature. ठीक है, ओके. किस लिए जरूरी है इतना टेम्परेचर, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, अडल्ट के अंदर क्या होता है, हर टेस्टिस एक ओवल सा स्ट्रक्चर है, टेस्टिस ओवल इन शेप. लेंथ कितनी है, इसको याद रख लेना, अबाउट 4 to 5 centimeter, और विड्थ है अबाउट 2 to 3 centimeter. ठीक है, टेस्टिस के अराउंड एक कवरिंग है, डेंस कवरिंग. हर टेस्टिस के पास अप्रॉक्सीमेटली हमने बोला 200 से 300, तो आप मान सकते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. जिनको क्या बोलते हैं बेटा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. ठीक है, इतनी बात क्लियर है टेस्टिस के बारे में, चले आगे. ओके ओके, हर लोब्यूल के अंदर हमने कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाए थे, हमने बनाए 2 से 3, तो कितने होते हैं, 1 to 3 अप्रॉक्सीमेट मान लो. दीज आर हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स. और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय इट्स इन साइड टू टाइप्स ऑफ सेल्स, क्यूबिकल जो क्यूब शेप के सेल्स बनाए, दैट इज मेल जर्म सेल्स, जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलेंगे. और पिरामिड शेप के सेल्स को हमने बोला सर्टोली सेल्स होते हैं. ठीक है, द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोसिस, मियोसिस करके क्या बना देंगे, हैप्लॉइड गैमेट्स, जिनको बोलेंगे स्पर्म्स. क्या बोलेंगे, स्पर्म्स.
finally leading to the sperm formation. So Toli cell क्या करेंगे? ये line mark करो. They will provide nourishment, nutrition to the germ cells. इसीलिए sir Toli cell का एक और नाम है, that is nurse cell. क्या होगा? Nurse cell, right? The regions outside the seminiferous tubules, उनको बोलेंगे interstitial spaces. जिसके अंदर क्या होगा बेटा? छोटी-छोटी blood vessels हो सकती हैं, interstitial cells या lytic cells हो सकते हैं. लिडिक सेल्स क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिनको बोला जाता है एंड्रोजन. टेस्टिकुलर हार्मोन, मेल हार्मोन्स को कंबाइनली बोल देते हैं एंड्रोजन्स. ठीक है, ओके. और दूसरी अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि टेस्टिकुलर, जब हम टेस्टिस का टीएस लेते हैं तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या क्या होता है? तो आप बोलोगे लिडिक सेल्स. क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन्स. और इसके अलावा इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स वो भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, चलो अब देखो. मेल असेसरी सेक्स जो डक्ट सी हमने जब टेस्टिस के अंदर देखा, हमने क्या क्या देखा? रीटी टेस्टिस आ गया बेटा, ठीक है. वॉसा एफ्रेंशिया आ गया, ठीक है. रीटी टेस्टिस के जो बनेगा उसके बाद वॉसा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमस, और देन हमारे पास आ गया वॉस डेफरेंस. तो आप देख सकते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स बनेंगे, कहाँ जाएंगे? रीटी टेस्टिस. रीटी टेस्टिस से वॉसा एफ्रेंशिया, वॉसा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस, और उसके बाद वॉस डेफरेंस, राइट. चलो आगे आओ. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का बेटा टेस्टिस है ना, दैट ओपन्स इनटू वॉसा एफ्रेंशिया, ठीक है, थ्रू रिटी टेस्टिस. बात होगी क्लियर? ओके जी, ओके मैम, हो गई. तो क्या वॉसा एफ्रेंशिया लीव कर देगा टेस्टिस को? यस, बिल्कुल लीव कर देगा. और कहाँ खुलेगा? एपिडिडाइमस में. कहाँ लोकेटेड है एपिडिडाइमस? सामने से नजर नहीं आएगा. इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड. कहाँ होगा? पोस्टीरियर साइड. तो क्या मैम ये सामने से नजर आएगा? नहीं आएगा. एंटीरियर साइड पे नजर आएगा? नहीं आएगा. एपिडिडाइमस कौन सी साइड पे होता है? पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है. चलो, एपिडिडाइमस किसको लीड करेगा? थिन सी ट्यूब निकलेगी, जिसका नाम क्या होगा? वॉस डेफरेंस, ठीक है. वॉस डेफरेंस अभी हम बात कर रहे हैं. चलो डायग्राम बना लेते हैं. चलो एक बार पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है. डायग्राम के लिए हम कलर चूज कर लेते हैं हमारा. चलो इसी को चूज कर लेते हैं. ओके, चलो देखो, ये मैंने बनाई बेटा टेस्टिस पोस्टीरियर साइड पे. ये बनाया मैंने, ऐसा करो, ठहरो. हाँ चलो, एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस से एक नैरो थिन सी ट्यूब निकलेगी, एब्डोमन की तरफ ऊपर से जाएगी और नीचे की तरफ डिसेंड करेगी. ये ट्यूब, इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम क्या होगा? दैट विल बी वॉस डेफरेंस. ठहरो, दैट विल बी वॉस डेफरेंस, ठीक है. बिफोर ओपनिंग इन टू इट विल थैरो, सेम उस तरफ से आ जाएगी, है ना, जस्ट एक ब्रीफ देने के लिए आपको. और रास्ते में इसके पास कौन सी ग्लैंड आएगी? देयर विल बी, यहाँ से बीच में से अपने रिमूव कर दे इसको, तो सेमिनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है. ये क्या है? टेस्टिस, ये वॉस डेफरेंस. और जब हम यहाँ से देखते हैं, चलो एक सेकेंड इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं. और इट विल लीड इनटू एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दैट इज नोन एज पेनिस, ठीक है. दैट इज नोन एज पेनिस, ठीक है. तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है. और सेम यहाँ से दूसरी तरफ से भी आप ऐसे कर सकते हो, ये इस तरह से, ठीक है. फिर वही सेम स्ट्रक्चर. तो हमें एक मिनट यहाँ पे डायग्राम सिर्फ ये समझना है कि ये क्या है बेटा? टेस्टिस है. ये क्या है? एपिडिडाइमस. एपिडिडाइमस. ये क्या है बेटा? वॉस डेफरेंस. क्या है? वॉस डेफरेंस, ठीक है. ये क्या है? सेमाइनल, सेमाइनल वेसिकल्स, ठीक है. ये क्या है बेटा? एम्पूला. दिस इज एम्पूला,
तो ये दिस इज यूरिनरी ब्लैडर और इनके यहाँ पे बेस पे कौन सी ग्लैंड होगी, दैट विल बी प्रोस्टेट ग्लैंड. ये कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, और ये क्या है यूरिनरी ब्लैडर, किसकी कॉमन ओपनिंग, इसको बोल देते हैं हम यूरिथ्रा या और कॉमन यूरिनो जेनाइटल डक्ट, यूरिनो जेनाइटल डक्ट. ठीक है बेटा, ये क्या बन गया बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट इज पेनिस. और यहाँ पे होंगी आपके पास कुछ ग्लैंड्स जिनको बोलेंगे कॉपर्स ग्लैंड्स, म्यूकस सिक्रीट करेंगी. ठीक है, कॉपर्स ग्लैंड. ठीक है, अब मेरी बात को समझना बेटा बड़े ध्यान से. मेन ऑर्गन क्या है बेटा, टेस्टिस. टेस्टिस के राउंड ये हमने बना दिया स्क्रोटम. ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म्स बनेंगे, एपिडिडाइमिस में स्टोर होते हैं. आफ्टर दैट एक पतली सी थिन सी ट्यूब निकलती है. ट्यूब क्या है, वॉज डेफरेंस, एब्डोमन की तरफ राइज करती है और एब्डोमन के जस्ट ऊपर जाके एकदम ऐसे लूप बना लेती है नीचे की तरफ. यूरिनरी ब्लैडर कैसे अराउंड लूप बना लेती है और इट ओपन्स इनटू द दिस यूरिथ्रा, कॉमन जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है. और रास्ते में इसके कौन ऐड कर देते हैं, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन ऐड करेंगी. देन देयर इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, वो अपनी सिक्रीशंस ऐड करेंगी. देन कॉपर्स ग्लैंड, ये सारे के सारे जो डक्ट्स हैं, दिस ऑल आर एसेसरी डक्ट्स, दिस ऑल आर एसेसरी डक्ट्स. ठीक है, चलो अब देखो, अब आपको समझ में आएगा. द वॉसा फ्रेंशिया, वॉसा फ्रेंशिया ने क्या किया, टेस्टिस को लीव कर दिया, लीव द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस. ठीक है, कहाँ है, पोस्टीरियर सरफेस पे, अभी भी समझा हमने. तो जो एपिडिडाइमस है दैट लीड्स टू वॉस डेफरेंस, वॉस डेफरेंस कहाँ सेंड की, एब्डोमन में. तो कहाँ लूप करेगी, ओवर द यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, तब ये क्या करेगी, रास्ते में एक डक्ट रिसीव करेगी, उस डक्ट का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल, और ओपन किसमें करेगी, यूरिथ्रा में. राइट, एज द एजेकुलेटरी डक्ट, या जिसको हम कॉमन यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी बोल देते हैं. डक्ट्स क्या करती हैं, डक्ट्स का काम है थिन थिन ट्यूब्स हैं, वो स्टोर करती हैं किसको, स्पर्म को, और ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म्स को कहां से, टेस्टिस से बनेंगी, कहाँ लेके जाएंगे, आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा. और यूरिथ्रा कहाँ से, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगा और एक्सटेंड करेगा थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग, जिसको बोलेंगे यूरिथ्रल मीटर्स. ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा इज नोन एज यूरिथ्रल मीटर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो यूरिथ्रल मीटर्स बनाया, वो हमने कहाँ बनाया है, हमने बनाया है इधर. दिस इज एक तरह से यूरिथ्रल मीटर्स. मीटर्स का मतलब होता है बेटा ओपनिंग, मीटर्स का मतलब होता है ओपनिंग. ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या, हमें इतनी सी बात याद रहेगी, यस बिल्कुल रहेगी. ठीक है, अब देखो पैनिस क्या, हमने देखो क्या क्या पढ़ा, मेन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, जितने भी हमने डक्ट्स पढ़ी वो सारी क्या है, एसेसरी डक्ट्स. एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, दैट इज पैनिस. पैनिस किस काम आएगा, ट्रांसफर करने के स्पर्म्स को इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल एक्ट, और दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉपुलेशन. ठीक है, चलो पैनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ओके. अच्छा, ये जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज जो हेल्प करते हैं किसके अंदर, इरेक्शन ऑफ द पैनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. इंसेमिनेशन का मतलब समझो, क्या किया, सीमेन के साथ स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हमें डिपॉजिट करवाना है. ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया चाहिए. एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऐसा होना चाहिए विच कैन कभी भी वो, मतलब हम उसको इरेक्ट पोजिशन में इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करवाने के लिए इरेक्ट पोजिशन में रखा जा सके. उसके लिए पैनिस के पास होते हैं कुछ टिश्यूज. ठीक है, उन टिश्यूज की हेल्प से इट कैन बी दैट हेल्प्स टू इन द इरेक्शन ऑफ पैनिस, और जिसकी वजह से इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है. ठीक है, द इलार्ज एंड ऑफ द पैनिस, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लांस पैनिस. ग्लांस पैनिस विच इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फोर स्किन.
तो एक बार फिर से देखो बेटा डायग्राम, एक बार फिर से देखो, यहाँ पे ये जो यहाँ पे यूथ्रल मीटर्स हो गया, और यहाँ पे ना एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, दैट इज नोन एज ग्लांस पैनिस. ठीक है, देर इज लूज फोल्ड ऑफ स्किन पैनिस के बाहर की तरफ समझ लो, देर इज अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज नोन एज पैनिस, ग्लांस पैनिस. ठीक है, उसके ऊपर ग्लांस पैनिस के ऊपर जो स्किन का फोल्ड है दैट इज नोन एज फोर स्किन, दैट इज नोन एज फोर स्किन. ओके, और जो मेल सेल्सी ग्लैंड्स में देखो क्या क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ी पेयर्ड, एक स्त्रव बनाया हमने, दूसरा स्त्रव बनेगा, पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड पैनिस के पास. सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स दे आर रिच होती है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है, मैं सारी सारी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स, सेम फॉर्म लिख रही हूँ. ठीक है, इन तीनों का जो सिक्रीशन है उसको हम बोल देते हैं सेमिनल, क्या बोल देते हैं, सेमिनल प्लाज्मा. ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है, बिल्कुल होता है, क्यों होगा, नरिशमेंट देने के लिए. कैल्शियम होता है, यस होता है. क्या उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे, बिल्कुल होंगे. ठीक है, अब सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है, जो किसमें हेल्प करेगा, लुब्रिकेशन में, किसकी, पैनिस की लुब्रिकेशन में, सो दैट इट कैन हैव, इट विल फैसिलिटेट द इजी एंट्री ऑफ द पैनिस इन टू द वजाइना ऑफ द फीमेल. ठीक है, ओके, तो इतनी सी बात हमने समझी. अब समझते हैं हम एनसीईआरटी के डायग्राम, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अक्सर हमें लेबलिंग के लिए आ जाते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझेंगे. ये है बेटा साइड वाला व्यू है, ये लेटर वाला व्यू है. ठीक है, तो देखो टेस्टिस दिख रही है, दिख रही है. ठीक है, ये क्या है, ये एब्डोमेन वाला पार्ट है ना, दिस इज स्क्रोटम. ये क्या है बेटा, एपिडिडाइमिस पोस्टीरियर एंड पे, और यहाँ से निकली ये वॉस डेफरेंस, कहेंगे इसका नाम, ये जो ट्यूब है दिस इज वॉस डेफरेंस. ये ट्यूब कहाँ से, ये यूरिनरी ब्लैडर के अराउंड ऐसे टर्न होगी, पहले एब्डोमेन में जाएगी फिर टर्न कर जाएगी. उसके बाद ये कौन सी ग्लैंड दिखाई है हमने, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, अब देखो ये ब्लैडर की ओपनिंग है यूरिथ्रा, और ये डक्ट कौन सी बन गई बेटा, इजेकुलेटरी डक्ट, कॉमन इजेकुलेटरी डक्ट. यहाँ से अब ये इजेकुलेटरी डक्ट जाके कहाँ जा रही है, सीधी पैनिस के बिल्कुल एंड तक जाएगी. ठीक है, और एंड पे ये वाला जो सोलन वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं बेटा ग्लांस पैनिस, और इसके ऊपर जो स्किन का फोल्ड है इसको बोलेंगे हम फोर स्किन. ठीक है, और जो ग्लैंड्स हैं ये क्या है, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स, ये क्या काम आती है, जस्ट नियर टू पैनिस क्या करेंगी, ये म्यूकस सिक्रीट करती है, और दिस इज एनस, ये बैक वाला पोर्शन आ गया सारा रेक्टम. राइट, तो देखो दिस इज यूरिटर, और ये क्या है बेटा सेमिनल वेसिकल, ये दीज आर सेमिनल वेसिकल्स एंड दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. तो ये कौन सा, ये आपको लेबलिंग आनी चाहिए, एग्जाम में हमेशा आपसे क्या पूछी जाती है, लेबलिंग पूछी जाती है. राइट, चलो अब देखो ये है आपका फ्रंट वाला व्यू, ये है फ्रंट वाला व्यू मेल का. तो फ्रंट व्यू में जब हम देखेंगे तो देखो दीज आर द टेस्टिस, राइट, दोनों तरफ है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो क्या है, ये टेस्टिस. ओके ओके मैम, टेस्टिस हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रही है, ये इज एपिडिडाइमस, दिस इज एपिडिडाइमस, ये जो इसका दिस वन, ये वाला जो पोर्शन है जहाँ थोड़े स्टोर रहेंगे. उसके बाद यहाँ से निकलेगी बेटा ये थिन सी ट्यूब, इसको नाम हमने क्या दिया, इसके अंदर देखो सब कुछ दिखाया गया, पहले डीटी टेस्टिस नेटवर्क बनेगा, फिर वॉसा फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से होती हुई ये टेस्टिकल लोब्यूल्स भी दिखाए गए हैं इवन. तो ये आ गई आपके वॉस डेफरेंस, वॉस डेफरेंस से यूरिटर के पास टर्न करेगी, और ये दैट विल मेक अ लूप अराउंड, और रास्ते में किसकी सिक्रीशन ऐड हो जाएंगी, सेमिनल वेसिकल. तो ए क्या है बेटा, सेमिनल वेसिकल. ठीक है, बी क्या है, प्रोस्टेट. बी क्या है, इसको यहां पे लिख दूं मैं, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड. राइट, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है ना. राइट, तो ये क्या था हमारा, यूरिनरी ब्लैडर. ये कौन सी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड. कौन सी ग्लैंड है, सी, सी को लिख दो यहां पर, बल्बो यूरिथ्रा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स. ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
चलो आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, राइट। तो क्वेश्चन में देखो क्या करना हमें, द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन मेल्स। मेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव डक्ट है, जो मतलब स्पर्म्स को भी ट्रांसफर कर रही है एज वेल एज यूरिन का भी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यूरिनरी डक्ट भी है रिप्रोडक्टिव डक्ट भी है, तो ऐसी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज क्या बोलेंगे बेटा उसको, दैट इज नोन एज यूरिथ्रा, दैट इज नोन एज यूरिथ्रा। इसको कट करो यहां से, दैट इज नोन एज यूरिथ्रा। ठीक है चलो आगे आ जाओ। The lytic cells as found in human body are the secretory source of, किसके secretory source है, male hormones के, और male hormones का हमने क्या नाम दिया, हमने दिया androgen, that is G, ठीक है आगे आ जाओ। Which of the following depicts the correct pathway of transport of sperms? तो सोचो जरा ध्यान से, testicular lobules है उसके अंदर एक से तीन नंबर तक लेके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाएंगे स्पर्म्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जब स्ट्रेट हो जाएंगे उसके बाद क्या बनाएंगे, नेटवर्क बन जाएगा, दैट इज रिटी टेस्टिस। रिटी टेस्टिस कहाँ ओपन कर रहे हैं, वॉसा फ्रेंशिया में, वॉसा फ्रेंशिया से स्पर्म्स कहाँ आएंगे, एपिडिडाइमस में, एपिडिडाइमस से दब वो आएगी वॉस डेफरेंस के अंदर। तो ये रहेगा हमारा पूरा पाथवे। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम, रिटी टेस्टिस, एफरेंट डक्टूल्स भी बोलते हैं बेटा वॉसा फ्रेंशिया को, एपिडिडाइम miss and was deference. I hope answer is clear. Afferent digitestis a afferent ductus मतलब was afferentia, then epididymis, then was deference. तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा A. ठीक है चलो आगे चले। Sertoli cells are found in, कहाँ मिलते हैं हमें Sertoli cells? Sertoli cells ये दो दो बार क्यों आ जाते हैं? Sertoli cells हमें मिलते हैं seminiferous tubules and provide nourishment nutrition to the germ cells. Seminiferous tubules, याद करो, याद होगा अभी तक आपको, इस तरह के कुछ cells होते हैं, these are Sertoli cells, और बीच में ये कौन से cells थे, these are germ cells. तो Sertoli cells का काम क्या है, nutrition provide करना, ठीक है, तो Sertoli cells provide nutrition. तो answer हो गया है हमारा C, answer क्या होगा बेटा C, चलो okay with this we have completed with the male reproductive system and it's a time to say thank you. Or what we have studied, humne ye study kiya ki jo human ke andar reproduction hai, that is sexual reproduction, right, sexual dimorphism dikhta hai, puberty ke baad changes aane shuru hote hain male aur female ki body ke andar, us process ke through kya hota hai ki jo sperm sorry male reproductive system ki baat kare to sabse pehla jo step hai kisi bhi sexual रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, पहले बनते हैं गैमीट्स, उसको बोला हमने गैमेटोजेनेसिस, ट्रांसफर होगा गैमीट्स का, मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के पास, दैट इज नोन एज इनसेमिनेशन, दैट इज इनसेमिनेशन। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जायगोट बनेगा, ठीक है, जायगोट के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगी, ब्लास्टूला मोरूला ब्लास्टूला सब पढ़ेंगे, ब्लास्टोसिस्ट का होगा इम्प्लांटेशन इन टू द यूटराइन वॉल, इम्प्लांटेशन के बाद फिर करेगा एम्ब्रियो डिवेलप, और देन होगा पूरा का पूरा पीरियड गेस्टेशन का, गेस्टेशन के बाद होगा बेबी का बर्थ, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन, और उसके बाद लैक्टेशन को भी हमने समझा, तो वो भी हम हमारी आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ ही हमने आज क्या किया, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पूरे के पूरे सिस्टम को, स्ट्रक्चर को समझा, ठीक है, स्पर्म का हमने पाथवे देखा, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं, हमने ये देखा प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होती हैं टेस्टिस, उसके अलावा कुछ हेल्प करने के लिए ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स में होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है, वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को हेल्प करती हैं, और आफ्टर दैट एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने समझा पेनिस के बारे में, ठीक है। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।